नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मथुरा के जवाहर बाग में पुलिस को छापेमारी में मिला रॉकेट लॉन्चर। अमेरिका में बने रॉकेट लॉन्चर के साथ कई हथियार भी बरामद। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। चारा घोटाला मामले में चोरी हुई कई फाइलें। पटना सचिवालय से अलमारी तोड़कर निकाली गई फाइलें। पुलिस ने मामला दर्ज किया। एनएसजी और एमटीसीआर में भारत की एंट्री का रास्ता साफ। कल मोदी ओबामा मुलाकात में बन गई बात। आज मोदी करेंगे इस अमेरिकी संसद को संबोधित। बिहार टॉपर घोटाले में जीए इंटर कॉलेज की सुपरिटेंडेंट समेत चार गिरफ्तार। मामले में रूबी, राहुल और सौरभ से भी होगी पूछताछ। शिवसेना का पीएम मोदी पर हमला। ग्यारह की धरती पर देश के भ्रष्टाचार की पोल खोलना गलत। आपकी सरकार में भी सामने आ रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले। और केरल में प्री मानसून की दस्तक। राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुई झमाझम बारिश। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मथुरा के साथ, जहां हिंसा स्थल से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अब जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। पुलिस को छापेमारी के दौरान यहां से एक रॉकेट लॉन्चर मिला है। इस लॉन्चर पर मेड इन यूएस लिखा है। फिलहाल पुलिस इस लॉन्चर की सच्चाई का पता लगा रही है कि आखिर ये लॉन्चर यहाँ कैसे आया और कौन इसे यहाँ तक लेकर आया। साथ ही पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस घटनास्थल की और छापेमारी कर रही है ताकि और खुलासे हो सके। इससे पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस प्रकरण की न्यायिक जांच कराने के आदेश दे दिए। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। यह आयोग 2 माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगा। और अब खबर बिहार से, जहां चारा घोटाले से जुड़ी फाइलें पटना सचिवालय की अलमारी से चोरी हो गई हैं। घटना के करीब 20 दिनों बाद बुधवार को इसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि फाइलें सचिवालय की 3 अलमारियों को तोड़कर चोरी की गई है। आज सुबह सचिवालय की साफ सफाई के लिए जब कर्मचारी आए थे तो उन्होंने अलमारियों के ताले टूटे हुए देखे और उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। पुलिस अब इसकी पड़ताल कर रही है। वैसे इन फाइलों के चोरी होने से इनके मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे जुड़ी फाइलें रांची में भी है और इस मुकदमे में चार्जशीट समेत सभी दस्तावेज रांची कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के पहले दिन भारत को बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता के लिए भारत को समर्थन देने को तैयार हो गया है। इसके अलावा भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR के सदस्य देशों में भी शामिल होने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके अलावा भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR के सदस्य देशों में भी शामिल होने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने NSG और MTCR में समर्थन के लिए ओबामा को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और गरीबी उन्मूलन के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। वहीं इस दौरान ओबामा ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। आज पीएम अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉप अमेरिकी कंपनियों के CEO के साथ बैठक की और फिर उसके बाद अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल की बैठक को भी संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2 सालों में भारत में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और हम विदेशी निवेश करने वाली कंपनियों को खास सहूलियत देने पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की कंपनियों ने भी भारत में $45 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है। और अब अगली खबर बिहार से, जहां टॉपर्स घोटाले मामले में आज SIT ने GA इंटर कॉलेज की केंद्र अधीक्षक और प्रिंसिपल शैल कुमारी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 क्लर्क और 1 चपरासी भी गिरफ्तार किए गए हैं। GA इंटर कॉलेज बिष्णु राय कॉलेज का परीक्षा केंद्र था। वही घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय फिलहाल फरार चल रहा है। इस मामले में अब सौरभ श्रेष्ठ, राहुल कुमार और आर्ट्स टॉपर रूबी राय से भी पूछताछ होगी। पुलिस ने आज उनके परिवार को समन थमाया है। इसके बाद अब तीनों टॉपर स्टूडेंट्स को पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होना होगा। तीनों टॉपर वैशाली में संदिग्ध बिष्णु राय कॉलेज के छात्र हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कल इस मामले में पुलिस ने पटना स्थित बिहार बोर्ड के दफ्तर पर भी छापा मारा था। पुलिस ने वहां से कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और CPU को जब्त किया था। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे में भारत के भ्रष्टाचार पर की गई टिप्पणी पर निशाना साधा है। मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि हाल ही में दोहा में
मोदी ने कहा था कि हमारे देश को भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। इस पर शिवसेना ने कहा कि गैरों की भूमि पर देश के भ्रष्टाचार की मजेदार कहानियां सुनाकर उपस्थित लोगों की तालियां बटोरना देश की छवि खराब करने जैसा है। शिवसेना ने कटाक्ष करते हुए संपादकीय में लिखा कि सरकार सत्ता में 2 साल पूरे होने का उत्सव मना रही है, लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। सामना ने इसकी जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही है। और अब खबर केरल से, जहां प्री मानसून की फुहारों ने असर दिखाया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने 9 जून को राज्य में मानसून की दस्तक देने की उम्मीद जताई थी। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर और छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, केरल में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश की छींटे पड़ी हैं। वहीं बीते कुछ दिनों से केरल में भी बारिश हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।